हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2017 में आई कैनेडियन हॉरर फिल्म दी हेरेटिक्स को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म की कहानी में एक यंग लड़की को किडनैप करने के बाद उस पर डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। पर्सनली मुझे इस फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया है। इस फिल्म को चार्ड आर्चिबॉल्ड ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में नीना केरी, री बैरेट और जॉर्जा कैडेंस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ होगा, तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप एक लड़की पर रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और इन्हें देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये कोई डेमोनिक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। इसी दौरान ये ग्रुप के लोग अपना गला काट कर अपनी बलि दे देते हैं। ऐसे रिचुअल में ये लोग अपने लाइफ का सेक्रीफाइस उस शैतान की पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं जिनकी ये पूजा करते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। ये लड़की सो रही होती है और एक डरावने सपने से उठकर बैठ जाती है। हालांकि इस घटना को 5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो उस सदमे से उबर नहीं पाई है, इसलिए अभी भी उसे डरावने सपने आते हैं। इस लड़की का नाम ग्लोरिया है और ये अपनी माँ रूथ के साथ रहती है। ग्लोरिया की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जॉन। हालांकि ग्लोरिया की माँ उसके इस लेस्बियन रिलेशनशिप से खुश नहीं थी लेकिन ग्लोरिया और जॉन एक दूसरे के काफी करीब थे। जॉन को उसके पिता बचपन में चाबुक से मारा करते थे और इस बात का जॉन को मेंटली बहुत ही गहरा आघात पहुंचा था। शायद ये भी एक कारण था कि ग्लोरिया और जॉन इतने करीब थे। आगे हम देखते हैं कि ग्लोरिया जॉन के साथ एक ग्रुप थेरेपी सेशन अटेंड कर रही होती है। वहाँ जब एक औरत अपने पति के उस पर किए गए अत्याचारों की बात शेयर कर रही होती है तभी जॉन उसे बोलती है कि हर बात भगवान पे नहीं छोड़ा जा सकता, तो मैं अपने पति पे भी वही अत्याचार करना होगा और उससे बदला लेना होगा। यहाँ हमें जॉन के एग्रेसिव नेचर का पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरिया और जॉन साथ में बेड पर होते हैं और फिर जॉन उसे उसके आने वाली एनिवर्सरी के लिए एक नेकलेस गिफ्ट करती है और फिर जॉन ग्लोरिया को उसके घर के पास छोड़कर वापस चली जाती है। तभी वहाँ एक आदमी ग्लोरिया को किडनैप कर लेता है और जब ग्लोरिया को होश आता है तो उसकी वैन में जंजीरों से बंधी होती है। ग्लोरिया किसी तरह अपने सेलफोन तक पहुंचती है और अपनी मारुत को कॉल करती है। इसी दौरान उस किडनैपर की नजर ग्लोरिया पर जाती है और वो उसे फोर्सफुली क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। बेहोश होने के पहले ग्लोरिया की चीख उसके माँ के फोन पर एज अ वॉइस मैसेज पहुंच जाते हैं। बेहोश होने के पहले ग्लोरिया उस किडनैपर के हाथों में वो डेमोनिक साइन भी देखती है जो उस डेमोनिक ग्रुप के सभी मेंबर्स के हाथों में था। वो किडनैपर ग्लोरिया को शहर से दूर जंगल में एक कैबिन में लेके जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन वहां पहुंचती है जहां वो और ग्लोरिया वॉलंटरी लोगों को फूड सर्व करते थे। वहाँ ग्लोरिया के ना होने के कारण वो उसकी माँ को कॉल करती है और ग्लोरिया के बारे में पूछती है। उसकी माँ पूरे घर में ग्लोरिया को ढूंढती है पर ग्लोरिया के नहीं मिलने पर वो वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें ग्लोरिया की चीख होती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर से ग्लोरिया के किडनैप होने की बातें करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन ग्लोरिया की माँ से भी ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान थी और वो पुलिस ऑफिसर को भी एग्रेसिवली ग्लोरिया को ढूंढने को बोलती है और एंड में खुद भी उसे ढूंढने का निर्णय लेती है। वो चर्च में कई सारे वॉलेंटियर्स को इकट्ठा कर ग्लोरिया को ढूंढने में उनकी हेल्प लेती है। वहीं ग्लोरिया को फिर से वही भयानक सपने आते हैं। यहाँ ग्लोरिया जब होश में आती है तो वो किडनैपर को पहचान जाती है कि ये उन लोगों में से ही एक है जिसने 5 साल पहले उसे किडनैप कर उस पर रिचुअल किया था। यहाँ वो किडनैपर ग्लोरिया को बोलता है कि वो ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा है और वो कल सूर्योदय तक उसे यहाँ रखेगा, उसके बाद उस पर से खतरा खत्म हो जाएगा। ग्लोरिया को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद आगे के सीन में हम देखते हैं कि ग्लोरिया किडनैपर को बोलती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। वो ग्लोरिया को बोलता है कि 5 साल पहले उसने ग्लोरिया को देखा था जब सब लोग उस पर रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और उसे ये बात ठीक नहीं लगी थी। वो बोलता है कि जब वहाँ पर सभी ने अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया था तब वो सिर्फ सुसाइड करने का नाटक कर रहा था, उसने सुसाइड नहीं किया और फिर बाद में वहाँ से भाग गया था और वो ये सब सिर्फ ग्लोरिया को बचाने के लिए कर रहा है। इसके आगे हम देखते हैं कि उस किडनैपर को हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं जिसमें ग्लोरिया उसे सिड्यूस करती है। फिर जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि ग्लोरिया की तबीयत खराब होते जा रही है और ग्लोरिया के मुंह से खून भी आने लगे हैं। यहाँ ग्लोरिया की तबीयत खराब होते जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को ग्लोरिया के घर के बाहर वही नेकलेस मिलता है जो जॉन ने उसे गिफ्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन खुद भी ग्लोरिया की मिसिंग पोस्टर लेके जगह जगह जाती है और लोगों से उसके बारे में पूछती है। तभी एक लड़का उसे इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है और वो गुस्से में आके चाकू निकालती है और उसके गले पे रख के उससे पूछती है। वहीं ग्लोरिया को वहाँ वही शैतान के ग्रुप वाले लोग दिखते हैं और ग्लोरिया बहुत डर जाती है। यहाँ ग्लोरिया को वो किडनैपर संभालता है और उसे होश में लाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अब इन दोनों को हेल्यूसिनेशंस होने लगे हैं।
वो ग्लोरिया को एक बार फिर से बोलता है कि बस अगले दिन सनराइज तक तुम्हें यहाँ रहना है और तुम यहाँ सेफ हो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इधर रुथ जॉन को कॉल कर घर बुलाती है जहाँ वो पुलिस ऑफिसर भी होता है। वो जॉन से उस लड़के के गले में चाकू रखने वाली बात और नेकलेस के बारे में पूछता है। तभी शक होने के कारण वो पूछताछ के लिए जॉन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। यहाँ जॉन एग्रेसिव हो जाती है और पहले उस पुलिस ऑफिसर को चाकू से मार देती है, उसके बाद वो रुथ से ग्लोरिया के बारे में पूछती है और उसे भी मार देती है। वहीं ग्लोरिया की कंडीशन और खराब होते जाती है और वो उस किडनैपर से पूछती है कि उसका नाम क्या है और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। किडनैपर अपना नाम थॉमस बताता है और वो बोलता है कि 5 साल पहले उसे किडनैप कर उस पे जो रिचुअल परफॉर्म किया गया था वो शैतान गॉड एबेडॉन को इस दुनिया में वापस लाने के लिए किया गया था और ये रिचुअल लुकस मून की रात में किया जाता है और आज भी लुकस मून की रात है। वो आज रात इस रिचुअल को कम्प्लीट कर एबेडॉन का रिबॉर्न करेंगे और उसे इस दुनिया में वापस लाएंगे और इसके लिए उन लोगों ने ग्लोरिया को होस्ट बनाया है। ग्लोरिया थॉमस को बोलती है कि लेकिन उस दिन उस ग्रुप के सभी लोगों ने तो सुसाइड कर लिया था। थॉमस उसे बताता है कि सभी लोगों ने सुसाइड नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो भी ग्लोरिया को सर्च करने के लिए लोगों को फोर्स कर रही होती है और फिर जॉन अपने घर में एक सीक्रेट पैसेज में जाती है जहां उस शैतान एबेडॉन की मूर्ति होती है। वो उस शैतान से माफ़ी मांगती है कि उससे ग्लोरिया गुम गई और इस बात के लिए वो खुद को पनिश भी करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन भी उस सीक्रेट शैतानी ग्रुप की मेंबर है और वो ग्लोरिया से प्यार नहीं करती बल्कि वो उसके साथ इसलिए थी ताकि लोकस्ट मून वाली रात यानी आज की रात वो रिचुअल को कंप्लीट कर उस शैतान को इस दुनिया में वापस ला सके और इसीलिए वो इतना एग्रेसिव होकर ग्लोरिया को ढूंढ रही थी और उसने जो बातें ग्लोरिया को बताई थी कि उसके पिता उसे चाबुक से मारते ये सब भी झूठ थी। वहीं ग्लोरिया के बैक में पेन होता है और जब थॉमस देखता है तो वहाँ 2 होल्स होते हैं। ये देखकर थॉमस बहुत डर जाता है और दूसरे रूम में जाके चाकू लेता है ताकि वो ग्लोरिया को मारकर ये सब खत्म कर दे। तभी ग्लोरिया उसके पास आती है और उसे सीड्यूस करती है और फिर इन दोनों के बीच इंटीमेट सीन होते हैं और फिर ग्लोरिया एबेडॉन में चेंज हो जाती है। थॉमस एबेडॉन को देख के डर जाता है और फिर वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन हम देख सकते हैं कि थॉमस के कपड़े ओपन थे, मतलब ये सब सिर्फ हेल्यूसिनेशन नहीं था। यहाँ इसका कारण ये है कि 5 साल पहले रिचुअल कर ग्लोरिया को जब होस्ट बनाया गया था तभी से उस शैतान का प्रभाव ग्लोरिया पर है और इसीलिए वो थॉमस को इसे मानने नहीं दे रहा है क्योंकि ग्लोरिया के जरिए ही वो उस दुनिया में वापस आ पाएगा। ग्लोरिया थॉमस को उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलती है लेकिन थॉमस उसे बोलता है कि ये सेफ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन को पता चलता है कि एक आदमी ने ग्लोरिया के घर के पास एक वैन देखा था जिसके ड्राइवर के चेहरे पर जलने का स्कार्स था और वो ईस्ट की तरफ गया है। ये सब सुनते ही जॉन समझ जाती है और वो एक कॉमन फ्रेंड के साथ ईस्ट की ओर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस जॉन का बड़ा भाई है और वो केविन जहाँ ग्लोरिया और जॉन साथ में है वे इनके फैमिली का है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस को ग्लोरिया बोलती है कि वो जॉन से मिलना चाहती है। तभी थॉमस ग्लोरिया को सभी बातें बताता है और ये भी बताता है कि ग्लोरिया ने ही थॉमस के फेस को जला दिया था और उसके पैरों को भी तोड़वा दिया था क्योंकि वो रिचुअल से मरने का बहाना कर वहाँ से भाग गया था। वो ग्लोरिया को बोलता है कि जॉन तुम्हें ढूंढ रही होगी ताकि उस रिचुअल को कंप्लीट कर उस शैतान एबेडॉन को इस दुनिया में वापस ला सके और इसीलिए जब तक सनराइज ना हो जाए कहीं भी जाना ठीक नहीं होगा। इसके बाद ग्लोरिया जब केबिन में अकेले होती है तो वहाँ उसे वो शैतान एबेडॉन दिखता है। ग्लोरिया डर जाती है और डर कर वहाँ से बाहर भागती है और वो थॉमस को ये बातें बताती है। थॉमस उसे वापस लेकर केबिन में आता है तभी थॉमस देखता है कि ग्लोरिया के बाल गिरते जा रहे हैं और उसके बैक में जो 2 होल्स थे उसमें से विंग्स निकल रहे हैं। यहाँ थॉमस समझ जाता है कि 5 साल पहले जिस शैतान को ग्लोरिया के अंदर डाला गया था वह अब बाहर आ रहा है। यहाँ थॉमस ग्लोरिया को खत्म करने का निर्णय लेता है लेकिन वो ग्लोरिया की हालत देख उसे गोली नहीं मार पा रहा होता है। तभी ग्लोरिया के अंदर जो शैतान था वो थॉमस को बोलता है कि मेरा रिबॉर्न होने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारी ही सोल लूंगा और फिर वो शैतान थॉमस पर हावी होने लगता है। वो उसे उसके जलने वाली विजन दिखाकर डराता है और थॉमस डर कर केबिन से बाहर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन थॉमस के वैन के पास पहुंचती है और जब वो ग्लोरिया के सेल फोन को थॉमस के वैन के अंदर देख के कन्फर्म कर लेती है कि फाइनली उसने ग्लोरिया को ढूंढ लिया है, वो उस फ्रेंड को भी मार देती है और फिर जॉन थॉमस को देखती है, वो थॉमस पर अटैक करती है और फिर थॉमस बेहोश हो जाता है। जॉन ग्लोरिया के पास आती है और फिर वो रिचुअल स्टार्ट कर देती है। यहाँ ग्लोरिया की हालत खराब होती जाती है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस को होश आता है। थॉमस जॉन को समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। वो थॉमस को बोलती है कि वो फील कर सकती है कि उसका भगवान एबेडॉन आ रहा है।
और फिर जॉन मंत्र पढ़ना चालू करती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस शैतानी ग्रुप के सभी लोगों की आत्माएं भी वहाँ जाती है। जॉन जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाती है वो शैतान स्ट्रांग होते जाता है और ग्लोरिया पर कब्जा करते जाता है। यहाँ थॉमस दरवाजा तोड़ के अंदर आता है ताकि वो जॉन को रोक सके। तभी एक बार फिर वो शैतान थॉमस के माइंड को कंट्रोल कर उसे विजन दिखाता है, लेकिन इस बार थॉमस उसके कंट्रोल से बाहर आता है और जॉन पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। तभी वो ग्लोरिया पर हावी होता है और थॉमस को अपनी शक्ति से दूर कर जंजीरों से बांध देता है। यहाँ अब थोड़ी समय में सनराइज होने वाला होता है, इसलिए थॉमस खुद को फ्री करता है। उसी दौरान जॉन के मंत्रों और उन आत्माओं के बीच शैतान एबेडॉन वहाँ आता है। यहाँ थॉमस जॉन को रोकने के लिए उसे मार देता है और फिर वहाँ सब शांत हो जाता है। थॉमस ग्लोरिया को लेकर बाहर जाता है और वहाँ सनराइज हो रहा होता है। थॉमस बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सनराइज तक सेव करूँगा। तभी ग्लोरिया होश में आती है और थॉमस उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। ग्लोरिया उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि सबसे पहले मैं तुम्हारी ही सोल लूँगी, और फिर वो उसे मार देती है। और उसके बाद ग्लोरिया शैतान के जैसे दहाड़ती है और उसके बैक में से एबेडॉन के विंग्स के जैसे विंग्स बाहर आते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। मतलब साफ है, ग्लोरिया अब ग्लोरिया नहीं बल्कि शैतान एबेडॉन है। यहाँ हम आपको बता दें कि एबेडॉन का जिक्र कई सारी माइथोलॉजी में भी किया गया है। एबेडॉन को एबिस का एंजल माना जाता है, मतलब वो जगह जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। हम कह सकते हैं कि उसे नर्क का देवता माना जाता है। बेसिकली एबेडॉन को डिस्ट्रॉयर की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, इसलिए उसे लोकस के प्लेग यानी लोकस की आर्मी का भी किंग माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन टिड्डियों का झुंड कुछ ही मिनटों में पूरी फसल को भी तबाह कर देता है, और कुछ माइथोलॉजी में इन लोकस्ट को प्लेग फैलाने वाला भी माना जाता है। एबेडॉन एक घोड़े के जैसा है जिसका चेहरा ह्यूमंस का होता है और जिसके बाल लड़कियों के जैसे हैं। इसके दांत शेरों के जैसे हैं। इसकी पूंछ भी है जिसमें बिच्छू के डंक के जैसे डंक होते हैं, और ये लोहे की ब्रेस्टप्लेट में होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पंख भी होते हैं। एबेडॉन से एंजल से लेकर डीमंस तक सभी डरते हैं। एबेडॉन का काम लोगों की सोल को लेना होता है। एबेडॉन का जिक्र यहूदी बाइबल में भी किया गया है और ग्रीक माइथोलॉजी में इसे एपोलिन के नाम से जानते हैं। इस फिल्म में एबेडॉन को फॉलो करने वाली एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताया गया है, जो कि इल्यूमिनाटी की तरह ही एक सीक्रेट सोसाइटी है। तो आप इन सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या ये सोसाइटीज सच में मौजूद है या ये सब झूठ है? और हाँ, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।